खबरों में रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर। मध्य प्रदेश में आफत की बारिश लगातार जारी है, वहीं रायसेन जिले में भी लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। उमरावगंज थाना क्षेत्र के ग्राम दादेरोद में बेतवा नदी के बाढ़ का पानी आ जाने के कारण गांव में लोग फंस गए थे। जैसे ही सूचना मिली, पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां फंसे दर्जनों लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित निकाला गया। वहीं बड़ी संख्या में गांव के बीमार लोगों का डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि बारिश के दिनों में अक्सर इस गांव में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, जिससे गाँव के लोग कैद हो जाते हैं। रोजमर्रा स्वास्थ्य संबंधी जैसी कई समस्याओं का ग्रामीणों को सामना करना पड़ता है। ग्राम दादरोद से सूचना मिली थी कि पिछले 6 दिन से बेतवा नदी का पानी चढ़ा हुआ है, आने जाने का रास्ता बंद है, लोग फंसे हुए हैं, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर रेस्क्यू टीम बुलाई गई। रेस्क्यू टीम से फंसे हुए करीब 12 लोगों को गांव से बाहर निकाला गया। गांव में अंदर जाने पता चला कि काफ़ी संख्या में लोग बीमार हैं, तो मेडिकल टीम बुलाई गई वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर, जिन्होंने करीब 105 लोगों का इलाज किया। अभी भी गांव में पानी चढ़ा हुआ है, पुलिस की नजर बनी हुई। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।